हाँ जी, वेलकम टू बदनाम रसोई जी आयन। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेरियन नूडल्स, वो भी रेस्टोरेंट या फिर लाउंज स्टाइल में। आप हमेशा ही ये रेसिपी जो है ऑर्डर करते हैं, ये डिश जब भी आप लाउंज या रेस्टोरेंट जाते हैं, तो वही सेम रेसिपी आज हम आपसे शेयर करेंगे। हमें चाहिए है शिमला मिर्च आधी, हरी मिर्च 4, कैरेट 1, कैबेज 1 बाउल, लाल सॉस 2 बड़े चम्मच, सोया सॉस आधा छोटा चम्मच, अजीनोमोटो 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, हरी सॉस 2 बड़े चम्मच, रेड बेल पेपर आधा, रेड चिली पाउडर आधा चम्मच, नूडल्स 150 ग्राम, अनियन 1 बड़ा, गार्लिक की 5 कलियां, नमक स्वाद अनुसार, और साथ ही साथ में हम लेंगे सिरका 2 बड़े चम्मच। बेहद ईजी इन्ग्रीडियंट्स हैं। सबसे पहले आपने लेनी है एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हमने तेल डाल दिया है और उसके अंदर हमने गार्लिक डाल दिया है और साथ ही साथ में अब हमने डाल दी हैं इसके अंदर गाजरें। दोस्तों, आपको गाजरें हमने क्यों पहले डाली है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है पकने में, लेकिन यहाँ पे हमने इनको पकाना नहीं है, हमने सिर्फ इनका पानी मारना है, क्योंकि हमने इनको क्रिस्पी क्रंची रखना है, तब बहुत अच्छी लगती हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं गाजरों की कटिंग, आप देखिए लंबे लंबे जूलियंस में की है, तो यही सेम कटिंग रखनी है। साथ ही साथ में हमने इसके अंदर प्याज डाल दिया है। इसमें अगर हरा प्याज डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमें मिल नहीं पाया था, बट अगर आप हरा प्याज डालेंगे तो और भी स्वाद हो जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों, अब हम इसके अंदर डाल देंगे कैबेज। कैबेज भी हमने देखी लंबी लंबी पतली पतली काटी हुई है, तो हमने कैबेज भी इसके अंदर डाल देनी है। हमने कढ़ाई बड़ी ली है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, मिक्स करने में आसानी हो जाती है, थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारी धीरे धीरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं हो गए हैं। अब साथ ही साथ में हमने इसके अंदर अजीनोमोटो डाल दिया है, थोड़ा सा चाइनीज फ्लेवर आ जाता है। नमक हमने स्वाद अनुसार डाल देना है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। लगभग हमारी जो वेजीज हैं ये हो चुकी हैं। अब वेजीज होने के बाद में अब इसके अंदर हमने और वेजीज डालनी है, जैसे कि हमने आपको दिखाए थे शिमला मिर्च, हमने यहाँ पे रेड बेल पेपर भी लिया है, और साथ ही साथ में हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा टॉस कर देंगे, इतना कि इसका क्रंच नहीं मरना चाहिए है। आप चाहें आप ग्रीन भी ले सकते हैं, येलो भी ले सकते हैं, जिस तरीके के बेल पेपर्स आप चाहें। साथ ही साथ में हमने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी हैं फॉर लिटिल बिट क्रंच के लिए, क्योंकि क्रंच अच्छा लगता है इन रेस्टोरेंट स्टाइल और लाउंज स्टाइल नूडल्स के अंदर। अब हमने हरी मिर्च भी थी हमारे पास में शिमला मिर्च, हमने वो भी डाल दी है। अभी देखिए ना कितना कलरफुल सा हो गया है हमारा इसका जो मिक्सचर है, रेडिश ग्रीनिश और क्रीमिश, बहुत ही बेहद स्वाद लग रहा है ये देखने में। अब इसके अंदर हमने नूडल्स डाल देनी है। नूडल्स दोस्तों हमने ऑलरेडी बॉयल करके रख ली थी, बेहद सिंपल होता है, पानी आप बॉयल करें, उसके अंदर नूडल्स डालें, 80% तक पकानी है नूडल्स, थोड़ा सा तेल डाल दें नूडल्स बॉइल करते समय और थोड़ा सा नमक, दैट्स इट, और आपकी नूडल्स बढ़िया से बनके रेडी हो जाती हैं। अब यहाँ हमने वही वाली बॉईल की हुई नूडल्स डाल दी हैं, उसके अंदर हमने आप देख सकते हैं 4 चीज़ें, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, साथ ही साथ में हमने ग्रीन सॉस और रेड सॉस, हमने ये डाल के इसको अच्छे से टॉस कर लेना है। बड़ी कढ़ाई इसीलिए ली है ताकि हम इसको अच्छे से टॉस कर पाएं। दोस्तों यहाँ ज़रूरी ये ध्यान में रखना है कि नूडल्स आपकी अच्छे से बॉयल होनी चाहिए, जो कि 80% आपने बॉयल करनी है। उसके लिए थोड़ी अच्छी क्वालिटी की नूडल्स लेंगे तो वो बहुत बढ़िया बॉयल होती हैं। अब साथ ही साथ में हमने इसके अंदर डाल दिया थोड़ी सी सोया सॉस और हमने इसके अंदर सिरका भी डाल दिया है, और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमने जो फ्लेम है इन सब चीज़ों को करते समय एकदम तेज ही रखनी है, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ पका रहे हैं आप, उसमें आपकी जो फ्लेम होती है वो तेज़ ही रहनी चाहिए। तो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल की जो हमारी नूडल्स है, देखिए दोस्तों तैयार हो चुकी हैं। थोड़ा सा आप ऑयल भी इसमें ज़्यादा रख सकते हैं, थोड़ी ऑयली ऑयली अच्छी लगती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी नूडल्स हैं। दोस्तों पसंद आई हो रेसिपी ये बढ़िया सी, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, हमें बताइए हम आपके लिए और कैसी रेसिपीज़ लेके आते रहें। फिर आइएगा हमारे चैनल पर, फिर लेके आएंगे बढ़िया सी रेसिपी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।